तो मैं आज मास्टर करने वाला हूँ 7 क्वालिटीज जो किसी प्रो प्लेयर में होनी चाहिए। तो जो सबसे पहली जो क्वालिटी है जिसको मैं मास्टर करने वाला हूँ वो है सर्वाइविंग, और मैं सर्वाइव करने वाला हूँ नेदर में। तो देखो, नेदर में सर्वाइव करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि मैंने इजीली सर्वाइव कर लिया था। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आई थी बीच में, लेकिन हाँ मैंने सर्वाइव कर लिया था। तो अभी बारी है सेकंड क्वालिटी की, और जो सेकंड क्वालिटी है वो है ग्राइंडिंग। हाँ, किसी प्रो प्लेयर के लिए ग्राइंडिंग करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसलिए मैं ग्राइंडिंग करने वाला हूँ एक नई वर्ल्ड में, जिसमें मेरा टास्क होने वाला है कि मैं एक फुल्ली डायमंड आर्मर बना लूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ बेसिक चीज़ें तो बना ली थी, और उसके बाद मैं चला गया नीचे माइनिंग करने, एंड मैं माइनिंग कर रहा था एंड मुझे कुछ आयरन भी मिल जाता है, और उसके बाद मैं उनके टूल्स बनाता हूँ और वापस से माइनिंग करना शुरू कर देता हूँ। और मैं माइनिंग करते करते बेडरॉक तक आ गया था, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ और साइड में माइनिंग करना शुरू कर देता हूँ। और गेस व्हाट, मुझे लिटरली कुछ टाइम बाद मुझे अपने पहले डायमंड मिलते हैं, जिनसे मैं एक पिकेट्स बनाता हूँ और वापस से माइनिंग कंटिन्यू करता हूँ। और उसके बाद मुझे कुछ टाइम बाद वापस से डायमंड मिलते हैं, एंड फिर कुछ टाइम बाद वापस से डायमंड मिलते हैं, और इसी के साथ मैं अपना डायमंड आर्मर बना लेता हूँ। तो अभी चलते हैं थर्ड क्वालिटी की तरफ, और जो थर्ड क्वालिटी है वो है बिल्ड्स। हाँ, बिल्ड्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी प्रो प्लेयर के लिए, इसलिए मैंने बिल्ड्स बनाना शुरू कर दिया था और मैं ये बनाने लग गया था, एंड फिर देखो मैंने ये क्या बना दिया। तो अभी चलता है फोर्थ में, और जो फोर्थ है वो है MLGs। हाँ, MLGs भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने जब MLG करना शुरू किया तो मैंने फर्स्ट में इजीली अपनी MLG कर ली, एंड उसके बाद भी मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, मैंने इजीली कर ली एंड उसके बाद भी। एंड मैं इतनी इजीली इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं MLGs में बहुत अच्छा हूँ। तो अभी चलता है फिफ्थ में, और जो फिफ्थ में जो क्वालिटी है वो है रेडस्टोन, एंड मैं छोड़ रहा हूँ भाई। तो अभी बारी है सिक्स की, और जो सिक्स है वो है PvP, और आप खुद ही देखो भाई PvP। तो अब बारी है सबसे मुश्किल क्वालिटी की, और जो ये क्वालिटी है ये है 7 क्वालिटी, और इस क्वालिटी का नेम है, हमें इस क्वालिटी में बस जितने भी अभी तक हमने 1 से 6 तक क्वालिटी सीखी है उन सबको हमको एक सर्वाइवल वर्ल्ड में यूज़ करना है, एक पूरी सर्वाइवल। एंड ये मैं इस वीडियो में तो नहीं कर पाऊँगा, इसलिए बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है। अगर इसमें अच्छे खासे लाइक आ जाता है तो मैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊँगा।